नंदन भाई के घर गए थे और आंटी ने हमें दिए हैं पहाड़ी आलू। काफी अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, लगता है बहुत बढ़िया पराठे बनेंगे। टेस्टी का खड़ा की खड़ा जो खिलाएं कच्चे पहाड़ी आलू मुंह में घुसाओगे क्या कैमरा उधर उधर। हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में स्वागत है आप सबका। आज की इस वीडियो में मैं आपको नेपाल जो देश है वो दिखाने वाला हूँ। तो चलिए, किस दिशा से दिखाऊंगा वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जो पिथौरागढ़ जिला है वो नेपाल से कई जगह से टच होता है। एक तो झूलाघाट से भी होता है और धारचूला वाली बेल्ट से भी टच होता है। काफ़ी जगह है जहाँ से नेपाल देश हमारे साथ सीमा बनती है भारत के साथ। तो आज मैं आपको एक जगह से नेपाल दिखाऊंगा कि नेपाल आखिरकार कैसा है। तो वीडियो के साथ बने रहना। बाकी चैनल को आपने अभी तक हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। 3:30 होने वाले हैं, अब चलता हूँ मैं और शुरू करता हूँ आज की इस वीडियो को। चलिए फिर, गर्म तो सच में दोस्तों इतना भयंकर हो रहा है कि पूछो मत, क्या बोले। आप बने रहो, आज काफी मजा आने वाला है। अभी मेरे साथ कौन कौन और आने वाले हैं अभी आगे आपको पता चल जाएगा। जाहिर है तो थोड़ा पहले हीरो बन जाते हैं। ये आवारा है ना मजा। चलो फिर अब करते हैं सफर शुरू आगे का। फिलहाल तो अभी मैं पहुँचा हूँ चंदन भाई के यहाँ, और चंदन भाई के अलावा भी हमारे साथ और भी कोई आने वाले हैं। कौन है अभी आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में। ये है खड़ा जी। हेलो। और इन्हें तो आप जानते ही हो, एक वीडियो में आंटी भी देखी है। तो फिलहाल तो आज हम जा रहे हैं जहाँ मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको नेपाल देश दिखाऊंगा, दर्शन कराऊंगा। चलो फिर अब चलते हैं, अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम है वड्डा में। वड्डा में जलेबी बहुत ज्यादा फेमस है, जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाई है उसमें दिखाया था आपको कि वड्डा पिथौरागढ़ में कहाँ है, और यहाँ की उस दिन मैं जलेबी खाने आया था। और यहाँ से आगे जब हम जाएंगे दोस्तों झूलाघाट वाली रोड में, तो वहीं से नेपाल भी आ जाता है, काफ़ी नज़दीक है, बहुत ज़्यादा किलोमीटर नहीं है। और थोड़ा ही आगे जाएंगे तो फ़ोन में भी एक मैसेज आ जाता है वेलकम टू नेपाल करके, जो हमारा नेटवर्क है वो भी रोमिंग में चले जाता है। फिलहाल अभी कुछ सामान ले रहे हैं यहाँ से, उसके बाद चलते हैं। हम लोग आ गए हैं ये बड़ालू झील में। एक झील यहाँ पे है और दूसरा झील यहाँ पे है और तीसरी भी है उधर, लेकिन ये पूरी झील है, ये पूरा काई काई हो रखा है। आप जाओगे तो पूरा काई से हरे होके आओगे। और जब पिछले बार आए थे तो ये बैठने वाले नहीं बनाए थे, तब उस समय चल रहा था काम यहाँ पे। अभी ये पूरा हो चुका है, काम बन चुका है। और ये अभी नहाने योग्य तो ये बिल्कुल भी नहीं है। आप कभी आते हो तो आप यहाँ नहाने के लिए आ सकते हो, लेकिन अभी साफ़ करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है ये बड़ालू झील को, लिखा भी है। चलो फिर दोस्तों अब अपना सफ़र करते हैं आगे का शुरू। ये बताऊंगा मैं आपको कहाँ से दिखता है नेपाल। अभी हम एक जगह पे रुके हैं और यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ, जो सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहा है ये है नेपाल। पूरा ये सामने जो पहाड़ी आपको नज़र आ रही है सब नेपाल है। और नीचे पे देखिए, यहाँ पे नदी है काली नदी, इससे उस तरफ नेपाली नेपाल है, हर कहीं पूरा नेपाल देश है। और ये नदी से इस तरफ भारत, ये भारत और वो नेपाल। वहाँ पर रेड कलर में त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर दिखाई दे रहा, बहुत भव्य मेला लगता है वहाँ। वो सामने उसके ऊपर गोठला पानी डिस्ट्रिक्ट दिख रहा होगा आपको, ये बैतरणी डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है वो जो टॉप में दिख रहा है। और यहाँ ये सब गांव हैं, अलग अलग गांव हैं, कोई बट्ठा कहते हैं, अलग अलग नाम हैं इन गाँवों के। और ऐसे उस तरफ आप देख सकते हैं वो झूलाघाट का एरिया है।
यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा आगे जाएंगे तो हम अभी दिखाई देगा। हाँ, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है, वहाँ एक मेला भी लगता है, कभी मौका मिलेगा तो उस मेले पे जाएंगे हम और आपको दिखाएंगे। फिलहाल तो अब अपने सफर को करते हैं आगे को शुरू और चलते हैं। अभी हम लोग पहुँच गए हैं गौड़ी आर्ट में और यहाँ पे एक मंदिर भी है, आप देख सकते हैं सामने। कुछ सामान लेना है अभी चंदन भाई थे तो अब तब हम रुके हुए हैं, फिर इसके बाद अपने सफर को सीधे शुरू करते हैं। अभी हम हैं मजीर कांडा में और यहाँ चैतोल मेला लगा है, कोशिश करेंगे वापसी में आपको एक बार दिखाऊं। वैसे तो लोग सब जाने लग गए हैं घर को और इतनी सकरी रोड है और लोगों ने इस तरह से बाइक गाड़ी इधर लगा दी, एक गाड़ी आ जा रही है तो हालत ख़राब हो जा रही है वापस निकालने में। अभी गाड़ी वापस भी कुछ नहीं दिखेगा भाई यार। इस गांव में कि आपको मुर्गी फार्म बहुत ज़्यादा दिखेंगे रोड के किनारे किनारे, मैंने तो अभी तक देखा नहीं है। ये चंदन भाई का गाँव है, मुँह में घुसाओगे क्या कैमरा उधर उधर। एंटर हो चुके हैं भटेड़ी गाँव में, ये हमारे चंदन भाई का मुर्गी पालन यहाँ। अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ चंदन भाई के गांव में, अभी उसी के घर में जा रहे हैं चंदन भाई के। एक बार चंदन भाई के घर जाते हैं, उसके बाद फिर मुलाकात करेंगे आपसे। चंदन भाई के घर गए थे और आंटी ने हमें दिए हैं पहाड़ी आलू, काफ़ी अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, लगता है बहुत बढ़िया पराठे बनेंगे, टेस्टी का खड़ा खड़ा जो खिलाएँ कच्चे पहाड़ी आलू। जाने लग गए हैं पिथौरागढ़ के लिए, अब देखते हैं अब सीधे इस वीडियो को शायद ख़त्म कर देंगे या कहीं पर रुकने हैं। अब आज की इस वीडियो को बारी आती है यहाँ पर समाप्त करने की। मेरे जितने भी साथी थे सब चले गए हैं, जो आंटी शुरू में आपने देखी थी तो उनको यहीं सुल्तान में उतरना था तो वो तो सबसे पहले ही चली गई थी। बाकी अभी जितने भी साथी थे वो सभी लोग चले गए हैं और अब मैं भी जाने लग गया हूँ घर को, अभी गाड़ी चला रहा हूँ। अब इसके बाद घर जाने हैं, काफ़ी कुछ काम है, फिर आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करूँगा। तब तक बाय बाय, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए।